अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी हम आए हैं अलबेग पे। आप देख रहे हैं कितना रश लगा हुआ है यहाँ पर, लाइनें लगी हुई हैं। और चूँकि हम बहुत थके हुए थे तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा दोस्तों के लिए वीडियो बनाना। ये बाहर मेन रोड चल रही है, तो ये अलबेग है, हमने बुक करवा लिया है। यह हमारा 219 नंबर है, टोकन नंबर 219, और वो सामने अभी चल रहा है 180। और अभी हमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो जैसे ही हम अलबेग ले लेंगे फिर आपको दिखाते हैं अलबेग। यहाँ सिर्फ आउट ऑफ कंट्री के लोग नहीं, हर मतलब यहाँ जितने लोग सऊदीया में बस रहे हैं वो लोग भी अलबेग को बहुत लाइक करते हैं। मतलब एक तो स्पेशली होता है ना कि आउट ऑफ कंट्री से आने वाले लोग जो हैं वही सिर्फ अलबेग खाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से लोग पैक करवा के ले के भी जाते हैं बाहर, लेकिन यहाँ टाइम बहुत लगता है, 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं ऑलमोस्ट। और देखें अब आगे क्या बनता है। आज हम अलबेग लेके आए हैं, और आप ये देखें अलबेग जो है ये हमें हाजी साहब ने खिलाया है। हाजी साहब बस एक काम से रह गए हैं, हाजी साहब ने कहा था कि आपके मुंह में भी मैं निवाले डाल देता हूँ, पर हमने कहा रहने दो। ये देखें हाजी साहब बैठे हुए हमारे पास, हाजी साहब ने आज उमरा किया माशाल्लाह और टेंड नहीं कराई हाजी साहब ने। हाजी साहब बेसिकली ना वो कराते हैं, क्या कराते हैं, कसर। हाई साहब कसर करते हैं। ये देखें बंद आ गए हैं, ये साथ ये जो चटनी है ना ये खास चटनी है, आज तो ये जो अल्लाह आपका भला करे ये लहसुन की चटनी है, गार्लिक गार्लिक है, ये सारी गार्लिक हमें दे दी आज उन्होंने। आज तो मैं व्लॉग में ही नहीं आई। किस में नहीं आई? व्लॉग में। ओए हो, तो अब आ जाओ। ये देखें माशाल्लाह इतना अलबेग आया हमारी तरफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग आज यहाँ की एक मार्केट है जरवल, वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। तो सुनने में आया कि आम मार्केट से वो बहुत ज़्यादा सस्ती है, देखना ये है कि वो हमारे होटल से कितनी दूर है। मेरा ब्रदर इन लॉ यहाँ पर होता है, वो आए थे, उन्होंने हमें बताया कि आपके होटल के बिल्कुल करीब है, तो आप वहाँ जाकर परचेज करके हैं जो भी आपको चीज़ें चाहिए। तो लेट्स मूव, आ गई है लिफ्ट, आ जाए। तो लिफ्ट आ गई है, अब हम लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। तो आज आपको चल के दिखाते हैं जरवल, ये जरवल क्या है, और प्राइस डिफरेंस दिखाते हैं आपको। ओके जी, हम लिफ्ट से बाहर आ गए और ये होटल की लॉबी में है। हम कोशिश करेंगे यहाँ से बस में बैठ के जाएं, अगर बस ने हमें रास्ते में उतार दिया तो। हमारे लिए स्पेशल ओके जी, तो हम उतरे हैं बस में से, ये देखें इसने हमें ला के वहीं पे उतारा है जहाँ उसका पॉइंट है, लेकिन इसने उतार देना था हमें शुरू में भी, इसने इसलिए नहीं उतारा कि हम इसके पास नहीं खड़े थे, पास खड़े होते तो उतार देता। लहरा हम यहाँ से थोड़ा सा चलना है, चल के वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। यही रास्ता आगे हरम को जा रहा है, और
पीछे है तो ये मस्जिद आयशा की तरफ जाने के लिए यहाँ पर बसें लगी हुई हैं, लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो ये सऊदीया ने ये सर्विस जो चलाई है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मस्जिद आयशा लेके जाने के लिए। ऑलमोस्ट पूरे सऊदीया में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चल रही है ये। आप जिस जहाँ मर्जी जाएं आपको बस उतारेगी वहाँ पे। तो ये हम उस स्टोर पे आ गए हैं जहाँ हम उतरना चाह रहे थे, पर उसने हमें लाया नहीं इत्थे, उसने हमारी आवाज नहीं सुनी। ये एंट्रेंस है पार्किंग लॉट, यहाँ से जाते हैं। ये हम आगे जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं मस्जिद आयशा के लिए जाने के लिए जो बसें खड़ी हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं। ये बाहर जाने के लिए रास्ता है, ये देखिए बस जा रही है, ये हमारे होटल की बस है अबराजुल किस्वा। ओके जी, ये है इन्होंने बनाया है बस स्टैंड जहाँ से मस्जिद आयशा के लिए जाने के लिए ये बसें खड़ी हैं। चौमिया जो ये देखें, ये देखें, ये फ्री सर्विस है बसों की। अब ये कहाँ जाती है, ये यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती है, मस्जिद आयशा भी जाती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती है। ये फ्री सर्विस है बस की, मोस्टली लोग मस्जिद आयशा जाते हैं। उमरा करने के लिए, ये छोटा उमरा है। और ये रोड के करीब, ये जहाँ से गाड़ियाँ टर्न लेनी है इसके अपोजिट दूसरी साइड पर जरवल है। ये काफ़ी बड़ा स्टैंड बनाया है इन्होंने, ये देखिए यहाँ से मक्का टावर भी नज़र आ रहा है, ये देखिए क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देखें जी, यहाँ की एम्बुलेंस सर्विस है और ये मेरे राइट हैंड पे जरवल है, ये सारा जरवल है। ये देखें लिखा भी हुआ है, ये देखें मरकज रियासत जरवल। और हम इसके जो बैक में मार्केट है हम वहाँ पर जाना चाह रहे हैं, और हम देखते हैं ये रास्ता कहाँ से है। आई थिंक वो जहाँ से गाड़ी बाहर आ रही है वहाँ से हम एंटर होंगे। उम्मीद करते हैं कि मार्केट खुली होगी इंशाल्लाह। वैसे जा तो यहाँ से भी सकते हैं, हम उसी जगह से जाते हैं। इधर से आ जाओ, ये है सुपर मार्केट, ये वाले चले। ये जरवल की सुपर मार्केट है। और यहाँ पर ये देखें जी, जरूरियात जिंदगी की हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ माइक्रोवेव ओवन है 782 रियाल का, और यहाँ आपको बर्तन भी मिल जाएंगे स्टील के, प्लास्टिक के भी, चकला बेलना एवरीथिंग। ये देखिए सीख कबाब लगाने के लिए, और ये है चकला बेलना, ये क्रॉकरीज है, ये देखिए यहाँ
हमें इस मार्केट का नहीं पता था, लेकिन ये देखिए ये ग्लास भी है यहाँ पे। ग्लास की प्राइस देखिए जरा, इसको लेके ये 6 पीसों का ग्लास है और ये 8 रियाल, ये 8 रियाल का है। सस्ता है ये यहाँ पे। बेसिकली आज हम आए हैं कंपेयर करने के लिए कि ये कौन सी चीज कितने की है यहाँ पे, और हम जब मदीना जाएं वहां से पता चलिए। देखे जी, बड़े बड़े देगचे भी पड़े हैं यहाँ पे, सिल्वर की स्टील की देगचियां हैं यहाँ पर। हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि मदीना में इनका रेट क्या होगा और यहाँ पर रेट क्या है। ये देखें, ये सारी कैटल्स हैं जिनको उर्दू में केतली बोलते हैं। ये थर्मोस है और यहाँ थर्मोस है 90 रियाल की। ये देखें 90 रियाल की है थर्मोस, और यहाँ पर 5 kg का प्रेशर कुकर जो है वो 161 रियाल का है। ये 5 पाउंड का है, 5 किलो का। और यहाँ 8 किलो वाला कहीं नहीं पड़ा हुआ, ज़्यादा 5 किलो वाले हैं यहाँ पे। और ये देखें कि ये प्रेशर कुकर है, ये भी 5 लीटर वाला है, और इसकी प्राइस कहाँ मेंशन है? इसकी प्राइस भी यही प्राइस है इसकी, 7 लीटर का है, 5 kg। ये देखिए, ये पानी की बॉटल्स है, ये है यहाँ पर 23 रियाल की। ओके, लेस देन मूव।